बिस्मिल रहमान रहीम, अस्सलाम के व्यूअर्स, आपका कुछ शामदीद मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अपने किचन में इमरान सिखाएंगे आपको ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी। आज हम बनाएंगे बारबेक्यू मलाई बोटी हांडी। जब आप ये मलाई बोटी हांडी बनाना सीख जाएंगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। जब इसकी एक बाइट लेंगे तो इसका जो बारबेक्यू होगी बोटी वो बहुत सॉफ्ट होगी और इसकी जो ग्रेवी होगी वो बहुत क्रीमी सी होगी, बहुत मज़ा आएगा खाने में। करते हैं आज की रेसिपी शुरू। व्यूअर्स, चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 2 चम्मच धनिया और पुदीना फ्रेश, साथ में 4 हरी मिर्च, नमक हसब जरूरत, वाइट मिर्च 1 टीस्पून, गर्म मसाला 1/2 टीस्पून, साथ में 1 लीमू का रस लेना है हमने। मैंने यहाँ पर लिया है दही, 3 बड़े चम्मच दही के और 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के, ठीक है। उसके साथ मैं 5 से 7 यहाँ काजू लिए और चिकन मैंने लिए यहाँ 500 ग्राम। ये देखिए क्यूज में कट करवा लिए चिकन को। अब इन सब चीज़ों को पहले हम पेस्ट बना लेंगे, चिकन को भी साइड पे रखते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का ये देखिए क्रीमी सा पेस्ट बन के हो गया हमारा रेडी। अब मैंने यहाँ लिया है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ और साथ में चिकन अपना जो रखा था 500 ग्राम, ये इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे कम से कम 30 से 40 मिनट के लिए। व्यूअर्स, मैंने एक पैन के अंदर लिया पानी, पानी तकरीबन है 1.5 कप। मैंने लिए 7 से 8 काजू, ये इसमें डाल देंगे। इसके साथ मैंने लिए कच्चे टमाटर, 2 बड़े साइज के कच्चे टमाटर और 1 बड़ा प्याज, ये इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको ढक्कन लगा के छोड़ देंगे तेज़ आंच पे ताकि इसका पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। व्यूअर्स, आप तो देख सकते हैं पानी बिल्कुल हल्का हल्का सा रहता है। फ्लेम को करेंगे बंद, इसका एक पेस्ट बना लेंगे ज़बरदस्त किस्म का किसी भी जार में डाल के। व्यूअर्स, 40 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, मैरिनेट किए हुए। या मैंने लिए हैं लकड़ी वाली स्टिक, आप चाहें तो आप लोहे वाली भी ले सकते हैं। इसको आराम से दरमियान से ऐसे आराम से ये देखें अपने जो चिकन के क्यूब्स हैं डिप करके अच्छी तरह इसके अंदर लगा लेंगे। ये देखें ये ज़बरदस्त। व्यूअर्स, मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, वो हो गया गर्म। अब इसको हल्का सा ग्रीस करेंगे, ये देखें घी या ऑयल की मदद से, चाहे तो आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें ग्रीस कर लिया है जो अपनी, ये देखें जो अपनी स्टिक को बना के रखा था हमने, ये देखें एक एक करके सारी इसके अंदर रख देंगे आराम से, ये देखें ग्रिल होने के लिए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। अब बिल्कुल स्लो आंच पे हमने 8 से 10 मिनट एक साइड को पकाना है, बिल्कुल स्लो आंच पे, आंच हमने तेज नहीं करनी, बिल्कुल स्लो आंच हमने इसे कुक करना है। व्यूअर्स, आप जो देख सकते हैं ये देखिए एक साइड कुक हो गई थी, मैंने साइड चेंज कर दी है, दूसरी साइड भी कुक हो रही है। हम दूसरी साइड को तकरीबन इतने ही देर 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कलर भी आ चुके हैं हल्का सा। हमें इसी तरह इस पर कलर लाना है हल्का सा और इस साइड को भी अच्छी तरह कुक करते, उसके बाद हम इसको प्लेट में निकालेंगे। व्यूअर्स, इसकी दोनों साइड अच्छी तरह कुक हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुके हैं, अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। ये देखिए हमारा मलाई बोटी बन के हो गई है रेडी। अब इसको हम निकाल लेंगे साइड पर, ये देखें यहाँ रख लेंगे एक अपना पैन, उसमें डाला घी 2 से 3 टेबल स्पून, इसको होने देते हैं गर्म। व्यूअर्स, जो हमारा घी है वो अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब हम जो पेस्ट बना के रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। व्यूअर्स, जिस जार में हमने पेस्ट बनाया था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरह साफ करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। आँच लेंगे अब फुल तेज़। और मैंने यहाँ लिए दही तकरीबन 2 बड़े चम्मच, ये डाल देंगे फेंट के। अब जो अपना पैटर्न बचा के रखा हुआ था ये देखें, ये सारा का सारा बचा हुआ पैटर्न इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पूरी अच्छी तरह इसकी भुनाई ना हो जाए और फुल ऑयल शेडो पे ना निकल आए, तब तक हम इसको कुक करते हैं। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं इसमें घी निकलना शुरू हो चुका है, आँच हमने तेज रखनी है, आँच स्लो नहीं करनी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे अपने हिसाब से जितना आप खाना पसंद करें और साथ में वाइट मिर्च, वो भी आप अपने हिसाब से रखें जितनी आपको पसंद हो। ये देखिए ज़बरदस्त हमारी जो ग्रेवी है बन के हो गई है रेडी। ये देखिए नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें जितना आप खाना पसंद करें, वो कोई मसला नहीं है। बाकी आपने रेसिपी इसी तरह फॉलो करनी, इंशाल्लाह आपकी मलाई बोटी हांडी बहुत मज़े की बनने वाली है। जो हमारी बोटी है ये देखें मैंने स्टिक से अलग कर ली थी, इसके अंदर ये ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे आके, इसको अच्छा मिक्स करेंगे। आँच रखेंगे तेज़, स्लो आँच बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं उसे 2 से 3 मिनट तक तेज आंच पे कुक किया कि जबरदस्त किस्म का इसका कलर भी आ चुका है, कितनी क्रीमी और जबरदस्त किस्म की देखिए हांडी लग रही है। अब ज्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना, आप थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसके अंदर, बस 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो घर में दूध की मलाई भी आप हैंड की इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब ऑन करेंगे स्लो, क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लिया, अब फ्लेम को कर देंगे बंद। ये जबरदस्त लग रही है हमारी हांडी, फ्लेम कर देते हैं बंद और 2 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा देते हैं फ्लेम बंद करने के बाद। इसको गर्म गर्म सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं कि जबरदस्त हमारी हांडी बन के हो गया रेडी। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि जबरदस्त किस्म की हमारी बारबेक्यू मलाई हांडी बन के हो गई है रेडी। ये देखिए कितने मजे की लग रही है, जितनी ये देखने में मजे उतनी ही ये खाने में मजे की है। कैसी लगी आज ये जबरदस्त किस्म की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। मिलेंगे एक नई और जबरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाजत, तो आप में याद रखना, अल्लाह हाफिज़ और खुश रहें।